हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको सोशल स्टडीज़ में जो कि जीके का आपका पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करवा दिया था कि आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम्स या डीएसएसबी एग्ज़ाम्स या केवीएस या एनवीएस एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में संविधान के स्रोत बताए थे कि संविधान में जो आर्टिकल्स लिए गए हैं वो कौन कौन से देश से मिश्रित होकर लिए गए हैं। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ठीक है, नहीं देखी है तो नीचे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। ओके, आज जो हम बात करेंगे वो मैंने आपको जो बताया था कि हमारे संविधान में कितने क्या क्या शामिल हैं, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ यानी कि जो आपके 12 वो आपके शेड्यूल्स हैं, 22 भाग यानी कि पार्ट्स हैं और 395 अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल है उनके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। ये चीज़ें हमारे संविधान में सम्मिलित है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास कितने अनुच्छेद हमारे संविधान में, तो 395 आपके अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है। तो हम आप पहले इस आज बताऊँगा मैं आपको कि हमारे 395 जो आर्टिकल हैं उसके अंदर क्या क्या है। पहले हम मुश्किल से स्टार्ट करते हुए आसान की तरफ जाएंगे, क्योंकि 395 हमने कवर कर दिए तो 22 और 12 कवर करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद, क्योंकि हमारे अनुच्छेद ही 395 हैं। ओके, क्योंकि कई किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि क्या आसान काम पर करने से पहले पहला मुश्किल काम करो, फिर उसके बाद में आसान काम और आसान लगेगा। इसलिए हम पहले अनुच्छेद करेंगे जो कि 395 है, और फिर धीरे धीरे भाग की तरफ और अनुसूचियों की तरफ चलेंगे, क्योंकि 22 और 12 ये टोटल मिलाकर 34 ही होते हैं। बाकी जो आपका 395 अनुच्छेद है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, 395 जो अनुच्छेद है आपके, वो अनुच्छेद 395 जिसने संविधान लिखा है ना उसको भी याद नहीं है। ओके, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हम केवल वो अनुच्छेद पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस है। तो आपको 395 के 5 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर जो 4 आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें आपका क्या लिखा गया है, तो संघ क्षेत्र और प्रस्तावना के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में लिखा गया है। आपका संघ क्या होता है, तो संघ देखो जो आपका भारत राज्य है वो कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो क्या हो गया, भारत एक संघ है। और प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना आपका एज ए संविधान का परिचय है कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। एज ए आप एक बुक खोलोगे एनसीईआरटी की दूसरी चौथी क्लास की, तो आपको पहले पेज पर एक प्रस्तावना लिखी आएगी, तो वही प्रस्तावना होती है आपकी। ओके, आपका यूपीएससी एग्जाम में वहां पर जो प्रस्तावना होती है वहां से एक बीच का एक आर्टिकल उठा लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में यहां पर कौन सा प्रस्तावना की लाइन लिखी गई है, जो कि वहां पर एक बड़ा सा लिखा रहता है कि भारत एक संपन्न प्रभुता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है वो आपकी, करीब करीब लगा लो 15 लाइन की है। ओके, तो वो आपकी प्रस्तावना होती है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि नया राज्य या राज्यों का नाम परिवर्तित करने के लिए कौन से अनुच्छेद में हमारा या कौन से अनुच्छेद में हमारा ये नियम बनाया गया है, तो आर्टिकल 3 के अंदर यानी कि अनुच्छेद 3 के अंदर आपका कोई नया राज्य बनाने या राज्य का नाम परिवर्तित करना आर्टिकल नंबर 3 के अंदर परिस्तरित है, लिखा हुआ है। किसी भी राज्य का नाम चेंज करना या नए राज्य बनाने की उसके अंदर कानूनी सारी चीजें लिखी हुई हैं आर्टिकल 3 के अंदर। ओके, अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट चलते हैं 5 से लेकर 11 तक। तो 5 से 11 तक आपकी क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है, इसमें आपका जो भारत राज्य है उसके जो लोग हैं उसकी नागरिकता है, जो उसका सिटीजनशिप है उसको किस किस को दी जाएगी, किस अनुसार दी जाएगी, उसके बारे में आपकी 5 से लेकर 11 तक में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका 12 से लेकर 35 तक। तो 12 से लेकर 35 में आपके क्या आ जाती हैं, तो आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जम्मू एंड कश्मीर के 7 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी जो आपका है वो आपका जम्मू कश्मीर में दे रखा है। पहले पूरे भारत में था लेकिन उसको हटा दिया गया था, कब हटाया गया था और क्यों हटाया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 12 से लेकर 35 तक
में जो आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? चलिए उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो 6 मौलिक अधिकार में आपका पहला, ध्यान रखिएगा, 14 से 18, आपका जो मैंने अभी आपको बताया मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 12 से लेकर 35 के बीच में। लेकिन मैं आपको पहला कहाँ बता रहा हूँ, 14 से लेकर 18 जो है वो क्या है हमारा, समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वेलिटी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका मौलिक अधिकार 12 से स्टार्ट होता है, लेकिन आर्टिकल यहाँ से 14 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं, देखो मौलिक अधिकार जो आपके आर्टिकल में है वो 12 से तो स्टार्ट है, लेकिन मेन प्रोबेबली आपके 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। 12 और 13 में जो दिया गया है वो मौलिक अधिकार के परिचय के बारे में दिया गया है, ओके? तो इसलिए आपका जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 14 से जो 18 है वहां पर आपका समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी होता है। दूसरा 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। तीसरा 23 से लेकर 24 जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है आपका 25 से लेकर 28 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। नेक्स्ट है आपका 29 से लेकर 30 तक शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार एजुकेशन एंड कल्चर राइट्स। और नेक्स्ट है आपका 32, अब यहाँ पर देखो 31 मिसिंग है। अब 31 क्या है? तो 31 आपका संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, ओके? तो 31 यहाँ से हट गया है, वो खत्म कर दिया गया उसका, ओके? उसको मिस कर दिया तो 31 अब नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो 32 है, 32 में क्या है आपका संविधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आपके इसके अंदर आती हैं। तो ये थे आपके 6 मौलिक अधिकार आपके, ओके? अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजों, अनुच्छेद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और किस किस चीज के ऊपर में परिवारित कर रखा है। दो क्वेश्चन बनते हैं कि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक है। तो आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? तो मौलिक अधिकार 12 और 13 में उनका परिचय दिया गया है, ओके? मौलिक अधिकार जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 14 से स्टार्ट होते हैं। कौन से मौलिक अधिकार में आपका आर्टिकल मिसिंग है? तो आर्टिकल नंबर 31 हमारा मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके, ध्यान रखिएगा उन चीज़ों को, ओके? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार क्या हमारे संविधान की अंतरात्मा है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल हमारी संविधान की, पूरे संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा है, ओके? क्वेश्चन पोटा पोता है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने जो आपको अनुच्छेद बताया पहला कि समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 इसके अंदर क्या आता है, तो सभी अधिकारों का अब करेंगे विस्तारण यानी कि लंबे रूप में समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आता है आपका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल आते हैं 14 से 18। इसके अंदर क्या है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 में है आपका कानून, मतलब कानून में आपकी सारी की सारी समक्ष समानता लाई गई है यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि चाहे नेता हो, राजनेता हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए क्या है, कानून बराबर है। कहने को है संविधान में अब है या नहीं है वो आपके सामने है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 यानी कि धर्म, यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखो धर्म जाति नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था रिलीजन कास्ट या क्रीड के अनुसार उस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी धर्म सभी जाति सभी नस्ल के जो व्यक्ति हैं वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, इसमें क्या कहा गया, नौकरी। तो सरकारी नौकरी जितनी भी होती है उसमें सबों के लिए समानता है, सबके लिए इक्वेलिटी है, सबके लिए जगह है। तो नौकरी में समानता कौन से अनुच्छेद में है, तो 16 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, छुआछूत यानी कि जो आपकी अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता होती है कि तू मुझे मत छू, तू छोटी जाति का है, ये है वो है। तो छुआछूत को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, कौन से आर्टिकल के अनुसार, 17 के अनुसार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, उपाधि। उपाधि मतलब जो टाइटल्स होते हैं जो अपने नाम के आगे बाहुबली लगा लेते थे या पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम लगा लेते थे, वो आपकी जो उपाधि है वो आर्टिकल 18 के द्वारा खत्म कर दी गई थी, ओके? लेकिन तीन चीजों को छोड़कर, किन किन चीजों को छोड़कर, एक तो गवर्नमेंट, दूसरा मिलिट्री और तीसरा एजुकेशन। इस फील्ड में जो आपको आर्टिकल मिलता है यानी कि जो उपाधि मिलती है, जैसे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में आपका क्या हो उसके अनुसार आपको मिल जाती है, मिलिट्री में आप जनरल हो, कर्नल हो, मेजर हो, उसके अनुसार आपको मिलती है, एजुकेशन में आप डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, उसके अनुसार मिलती है। तो इन तीनों चीजों को छोड़कर आपकी जितनी भी उपाधि थी वो सारी की सारी आर्टिकल 18 में खत्म कर दी गई थी, जो कि अपने नामों के अंदर अजीब अजीब से लगा लेते थे, बाहुबली लगा लेते थे या कुछ और लगा लेते थे, तो उसके अनुसार अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था, ओके?
नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 19 से लेकर 22 तक जो बोला गया था राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर क्या क्या कहा गया था। तो देखो 19 जो आपके आर्टिकल हैं यहाँ पर काफ़ी फेरबदल किए गए थे। क्यों? तो देखो जो अनुच्छेद 19 ए है और 19 बड़ा ए है, दो मैंने लिख रखे हैं, और छोटा ए और बड़ा ए यानी कि स्मॉलर कैपिटल में आखिर फ़र्क क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका छोटा ए लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो आपका पुराना आर्टिकल है, यानी कि जब संविधान बना था तब से ही है वो। लेकिन जिसके अंदर आपको ये बड़ा ए मिल जाए या कोई भी बड़ी कैपिटल में मिल जाए, वो समझ लीजिएगा नया परिपारित किया गया, मतलब उसमें ऐड किया गया है बाद में। ओके, तो ये था इसका मतलब। तो अनुच्छेद 19 ए क्या है? पुराना है। क्या बोला गया है इसका? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, इंग्लिश में बोल सकते हो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपके अंदर पूरी भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी की पूरी आपको आज़ादी है आर्टिकल अनुच्छेद 19 ए के अनुसार। अनुच्छेद 19 बड़ा है, इसमें क्या है आपका? आरटीआई है, मतलब सूचना का अधिकार है। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हो? आपको आरटीआई आप सभी को पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, जो कि पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीआई कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 19 बड़े ए में आता है, और कब पास किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को पास किया गया था। इसके अंदर होता क्या है? तो देखो किसी भी चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप आरटीआई फाइल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको 30 दिनों के अंदर जो आप आरटीआई फाइल करते हो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपका उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपने जो उसका रिप्लाई उसको मिला है आपको वो 30 दिनों के अंदर जो मिला है, अगर आप उससे परिपारित नहीं हो, पूरी स्पष्ट रूप से उन्हें जानकारी नहीं दी है, तो दोबारा आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। और दोबारा जब फाइल करते हो तो आपको जो उसका जवाब मिलेगा वो 90 दिनों के अंदर मिलेगा। ओके, पहली बार में 30 दिनों में मिलता है और दूसरी बार अप्लाई करते हो तो 90 दिनों में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 के अंदर। तो अनुच्छेद जो 20 है वो उसके अंदर क्या है? तो आपका दोषारोपण में समानता है, यानी कि इक्विलिटी ऑफ कन्विक्शंस। मतलब यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखो आपके दो प्रकार के अपराधी होते हैं, एक होता है आरोपी, एक होता है अपराधी। दोनों का मतलब क्या है? तो देखो आरोपी आपका वो होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने चोरी करी है, इसने मर्डर करा है, इसने ये करा है, लेकिन उसके ऊपर वो साबित नहीं होता। अपराधी वो होता है जिसके ऊपर लगाया गया आरोप और उस पर साबित भी हो गया हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो दोषारोपण है उसमें आपकी ये समानता यही देता है। आरोपी को जब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसके ऊपर सारी चीजें सिद्ध नहीं होती है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग है, आरोपी अलग है, अपराधी अलग है। तो इसमें क्या हो जाता है आपका? दोषारोपण में आपकी समानता आर्टिकल 20 में लिखी गई है, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, इसमें क्या है? तो जीवन जीने का अधिकार, यानी कि आपका जो राइट टू लाइफ है वो आपका अधिकार इसमें दिया गया है। तो राइट टू लाइफ यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है, पहले हमारे टोटल 6 अधिकार थे, लेकिन 2017 में जो आपके एक जज थे, 44वें जज जे यानी कि जे एस खेखर थे, उनके अनुसार एक और जोड़ दिया गया, 7वां राइट टू प्राइवेसी। तो ध्यान रखिएगा हमारे पहले कितने राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार था, वो 6 थे, एक नया जोड़ा गया 2017 में। उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहला देखिए 6 कौन कौन से थे आपके। राइट टू फूड यानी कि आपका भोजन के ऊपर अधिकार है। राइट टू वाटर यानी कि पानी के ऊपर पूरा अधिकार है। राइट टू फ्रेश एयर यानी कि पूरा शुद्ध हवा लेने के आपका अधिकार है। राइट टू हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है उसका अधिकार है आपको। राइट टू स्लीप यानी कि सोने का अधिकार है, आप अगर सो रहे तो आपको कोई जगा नहीं सकता। और राइट टू लिविंग हुड, ध्यान रखिएगा राइट टू लिविंग हुड दे रखा है यहाँ पर। राइट टू आपकी यहाँ पर कोई वैकेंसीज या कोई नौकरी या किसी प्रकार की जॉब की बात नहीं करी जा रही है, लिविंग हुड की बात करी जा रही है, अच्छा जीवन जीने की बात करी जा रही है। ओके, तो ये सारे के सारे आपके थे, आपके राइट है। आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी हवा मिलना चाहिए, आपकी अच्छी सेहत होनी चाहिए, अच्छी नींद मिलनी चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए। ये सारा का सारा क्या है आपका? संविधान अधिकार। अगर आपको नहीं मिलता है ये, तो आप कानूनी वहाँ पर रूप से कार्रवाई कर सकते हो। एक और जोड़ दिया गया था 2017 में, राइट टू प्राइवेसी, जो कि जोड़ा गया था जीएस खेकर के द्वारा, जो कि 44वें जज थे। उनके अनुसार कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी है वो व्यक्ति के जो प्राइवेसी है उसको भी, उसका जो अधिकार है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 7 जो यानी कि राइट टू प्राइवेसी है वो आपका 2017 में जोड़ा गया था। ओके, राइट टू लिविंग हुड के अनुसार ही जो व्यक्तियों को काम दिया जाता है, आपको पता है मनरेगा और नरेगा दो प्रकार की आपकी
सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, जो कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2006 में परिपारित करा गया था और 2009 में उसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। बस उसमें एम आगे लगा दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी जी के सम्मान में। फिर उसका नाम क्या हो गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बस ये हो गया था। तो उसी में जो आपका राइट टू लिविंग हुड है, उसी के अंदर जो आपकी होती है, जहाँ पर आपका सामान्य दिनों के अंदर व्यक्ति को 100 दिनों का काम दिया जाता है, और जहां पर सूखा और बाढ़ वाला एरिया होता है वहां पर 150 दिनों का काम दिया जाता है। तो इसके अंदर आपका ये आता था। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A। देखो अभी मैंने आपको 21 पढ़ा है राइट टू लाइफ, अब आ गया 21 बड़ा है। ये क्या है, नया जोड़ा गया है। क्या था आपका, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन कब परिपारित किया गया था और कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 21A के अंदर है। ये हमारे संविधान के 2002 में 86 संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा 2002 में 86 संशोधन किया गया था और 2009 में ये कंप्लीट पास हो गया था। कब पास हो गया था, एक मैंने आपको डेट भी बताई थी 4 अगस्त को, और आपका सिग्नेचर कब किया गया था वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पेडागोजी में, वो बात अलग है। ओके, तो ये थे आपकी बात, 2002 में 86 संशोधन किया गया था, 2009 में पूरी तरीके से इसको पास कर दिया गया था, लेकिन लागू किया गया था अगले साल 1 अप्रैल 2010 से, जब RTI मैंने पढ़ाया था आपको पेडागोजी में, पूरी डिटेल्स इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये वही है, कौन सा अनुच्छेद में आता, 21A में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, तो 86 संशोधन के द्वारा किया गया था, डायरेक्टली यही क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका। ओके, तो इसी के अनुसार आपका बोल दिया गया था कि बच्चा एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक ग्रहण करने की पूरी आज़ादी है। तो अनुच्छेद 21A में ये लिखा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 22, 22 में क्या लिखा है, गिरफ्तारी के विद्रोह में कानून, विरोध में कानून, यानी कि जो आर्टिकल 22 है आपका राइट टू फ्रीडम का, उसमें आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो अरेस्ट होता है उसमें आपका प्रोटेक्शन करती है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो जो आपका गिरफ्तारी होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक सामान्य अपराध में और एक विशिष्ट या संगीन अपराध में। सामान्य अपराध जैसे कि पेन चोरी, थप्पड़ मारना, ऐसे छोटे मोटे जो होती है उसमें जो गिरफ्तारी होती है वो आपकी, इसमें कोई प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, एज ए बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज करा के छुड़वा सकते हैं। लेकिन आप किसी का मर्डर कर देते हो या किसी के प्रकार की बड़ी चोरी करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, कोर्ट में पेश करना होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के विरोध में कानून भी है आपका आर्टिकल नंबर 22 में। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेशंस। इसमें आपके दो आर्टिकल है 23 से लेकर 24 के बीच में। आर्टिकल यानी कि 24 में, 23 में और 24 में क्या लिखा रखा है, तो अनुच्छेद 23 में लिख रखा है मानव तस्करी और जबरदस्ती काम कराने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है, यानी कि जो भी आप मानव शरीर की तस्करी करते हो या जबरदस्ती किसी से काम लेते हो तो वो आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की बात करी जाए तो यहाँ पर है। अनुच्छेद 24 में लिख रखा है बाल मजदूर, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन यहीं पर ही पूछा जाता है कि बाल मजदूरी कौन से आर्टिकल में है, बच्चा लिख किया जाता है आर्टिकल नंबर 23 में। ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 23 यानी कि अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरदस्ती काम करने के ऊपर डिपेंडेड है। चाइल्ड लेबर यानी कि जो आपकी बाल मजदूरी, इस पर प्रतिबंधित लगाया गया था अनुच्छेद 24 के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये इसमें ऐड कर दिया गया था, बाल मजदूरी को मना कर दी गई थी लेकिन 2016 में ऐड कर दिया गया था कि जिसमें कम खतरा है और 14 वर्ष से जो ज्यादा के व्यक्ति हैं वो काम कर सकते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा 14 वर्ष से अधिक कम खतरे वाला काम कर सकते हैं चाइल्ड लेबर में। क्यों, क्योंकि कई बच्चे, हमारा जो भारत राज्य है वो बहुत पिछड़ा वर्ग है जहाँ पर कई परिवार खाने के लिए या दो रोटी काम करते ही हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रतिबंधन कहा था कि 14 से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो कम खतरे वाले काम है वो कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर आपका ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल लिख रखा है 23-25 से लेकर 28 में, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, यानी कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता की आपकी पूरी आज़ादी है कि कौन सा धर्म आप अपना छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकते हो या किस धर्म से आपके कौन से धर्म में आ सकते हो, तो वो पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड है। तो राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन है, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, ध्यान रखिएगा शिक्षा और नेक्स्ट है शिक्षा और सांस्कृतिक का
अधिकार, जिसे आप इंग्लिश में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स कहते हो, जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में आपका बोल रखा है जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें आपके अल्पसंख्याओं को दाखिला ज़रूर मिलेगा, यानी कि जो आपके शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स है, उसके अंदर जो अल्पसंख्या हैं, जैसे कि आपके जैन हो गए, बौद्ध हो गए, या फिर आपके मुस्लिम्स हो गए, वो सारे के सारे जो अल्पसंख्या लोग हैं उनको दाखिला ज़रूर मिलेगा, किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अंदर क्या लिख रखा है, अल्पसंख्या यानी कि जो आपके अल्पसंख्या लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार अपने विद्यालय या अपने इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, किसी पर भी किसी की प्रकार की प्रतिबंधित नहीं है। जैसे कि मुस्लिम रोज मदरसा खोल लेते हैं, तो मदरसा क्या है, बच्चों की प्राइमरी स्टेज और प्रारंभिक स्कूल की एक क्लास होती हैं, स्कूल्स होते हैं, तो उस प्रकार के अपने धर्म के अनुसार वो विद्यालय खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में लिखा गया है ये। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 31 मिस है, मैंने आपको बता दिया था। और अनुच्छेद 32 के अंदर क्या लिख रखा है, संविधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर क्या होता है आपका, इसको मौलिक अधिकार की आत्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और मौलिक अधिकार की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की आत्मा है। क्यों, देखो इसमें मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ये हमारे मौलिक अधिकार की कोई छीनता है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब आपके कोई मौलिक अधिकार को छीनता है, हनन करता है, ये किसी भी प्रकार की कोई दुष्टता करता है तो वो हमारे कौन रक्षा करता है, तो संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारी रक्षा करता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। किस कोर्ट में जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जो गारंटी होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी स्टेज में आपके कौन से अधिकार नहीं छीने जाते, तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 यानी कि आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 आपके नहीं छीने जा सकते आपातकालीन स्थिति में भी। आर्टिकल 20 क्या था, तो अनुच्छेद 20 में मैंने आपको बताया था आपका दोषारोपण में समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ कन्विक्शन, यानी कि अपराधी और आरोपी में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से होता है उसके बारे में। और आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ, यानी कि जो आपके जीवन जीने का अधिकार, 7 इंपॉर्टेंट अधिकार बताए थे, वो आपका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता आपातकालीन स्थिति में भी। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आज आपको मौलिक अधिकार तक ही पढ़ा रहा हूं, बाकी आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 36 से। ओके, तो हर ऐसी पार्टीशन में करता रहूंगा, आपके आर्टिकल जल्दी खत्म करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।